हेलो एवरीवन, वेलकम टू सादा सदन यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमारे पास आज का जो नया टॉपिक है वो नंबर सिस्टम के अंदर है, एचसीएफ एंड एलसीएम। हमने पहले भी लगातार क्लासें हैं वो कंपटीशन एग्जाम से बेस हैं, ऐसी क्लासें लगातार चल रही, नंबर सिस्टम पर चल रही थी, सिंप्लीफिकेशन हम उनका कर रहे थे। अब आज की जो क्लास है वो एचसीएफ एलसीएम है, एक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी ये एचसीएफ एलसीएम है, सबसे पहले हम इसके बेसिक की बात करते हैं कि बेसिक से एचसीएफ एलसीएम हम कैसे पता करें कि एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। फिर हम के कुछ डिफिकल्ट है, मतलब आपको इसको जीरो टू हम हीरो की ओर चल रहे हैं, यानी सरल से आप कठिन की ओर इन क्वेश्चनों को हल करने वाले, इनका प्रोसेसिंग है वो चलने वाली है हमारे पास। तो नंबर सिस्टम में हमारे पास एलसीएम एंड एचसीएम में किस प्रकार के क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं, और उन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों को हम एक तो ऑप्शन से कैसे करें डायरेक्ट, एक हमें बेसिक तो हमें हर चीज़ का पता होना चाहिए, हर जो भी टॉपिक है उसका बेसिक हमें उसका नॉलेज होना चाहिए, लेकिन बेसिक के साथ साथ हमें ट्रिक भी हमें पता होना चाहिए। ट्रिक कब आएगी, जब हम बेसिक क्लियर होगा तभी ट्रिक है वो आती है। और कई बार कई क्वेश्चन होते हैं जो ऑप्शन से ही हमारे पास हो जाते हैं, तो ऑप्शन से भी हमें उन क्वेश्चनों को हल करना आना चाहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के नए सेशन में। इस प्लेटफॉर्म पर हमारे पास एलसीएम एंड एचसीएफ है, वो क्लास है वो क्या होगी। तो सबसे पहले देखते हैं हम एलसीएम, एलसीएम क्या होता है। इसमें ध्यान देना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जब इसके हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी आप एक इसके नाम से ही हमारे पास आ रहा है कि इनका कॉमन मल्टीपल है वो क्या होगा। लिस्ट का मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर लेते हैं हमारे पास, जैसे 3 आ गया एंड 5 आ गया। अब 3 और 5 का जैसे मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा, 15 आता है, ठीक है। हम इनके मेथड की बात करते हैं कि कौन कौन से मेथड से हम इनको निकाल सकते हैं। ध्यान देना, ये आ गया तो आपको देखो इनका जो 3 और 5 का सबसे छोटा मल्टीपल है वो कितना होगा, 15 ही होगा। फिर आगे वाले नंबर आएंगे तो जो इसका एलसीएम है वो कितना होगा, 15 होगा। जैसे आप कोई भी नंबर की बात करते हैं, जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, इस प्रकार नंबर हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो इनको निकालने का जो तरीका है वो कौन कौन से मेथड से हम इनको करने वाले हैं उनको देखते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये आ गया 3 और 5 है, तो अब 3 और 5 का एक तो आप क्या करोगे, दोनों को अलग अलग कर सकते हो। अलग अलग कैसे, जैसे आ गया 3 तो इनका फैक्टर कितना होगा, 1 × 3 तो होता है, एक आ गया 5 का फैक्टर क्या होगा, 1 × 5, ठीक है। तो 1 तो दोनों में है, तो 1 का तो इससे फर्क भी नहीं पड़ता कि 1 तो हमेशा सबके साथ में होता है। देन अब यहाँ पर देखो, जब आप इसका एलसीएम की बात करते हो तब कितना आएगा, जैसे 3 आ गया यानी और ये आ गया 5 आ गया, कितना आ गया, 15 आ गया। आपको क्या करना है, जितने भी आपको फैक्टर दे रखे हैं उनका सबसे बड़ा वाला फैक्टर है वो आपको लेना है, ठीक है। सभी में जितने भी आपको दिए हुए हैं सभी में आपको क्या करना है, सबसे बड़ा वाला जो फैक्टर है वो आपको यहाँ पर लेना है, और उनमें आपको जब मल्टीपल करोगे तब आपको चलेगा कि आपके पास इनका जो एलसीएम है वो कितना आएगा। जैसे एक तो ये हो गया, दूसरा मेथड से हम करते हैं, जैसे ये आ गया 3 5 आ गया। अब यहाँ देखो, पहले 3 आ गया, कितना आ गया, 1 और 5, 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो अगला हमारे पास प्राइम नंबर कितना है, 3 है, 3 से होगा, और हमेशा ये सब पावर वो किस में होंगी, प्राइम नंबर में होंगी, ये और ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट देखते हैं 5, तो अब क्या आएगा, 5 1 और 1 आ गया, 1 आ गया। अब देखो इन दोनों का मल्टीपल 3 × 5 है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। यानी आपको क्या करना है, सबसे छोटा, कम से कम जो मल्टीपल के रूप में होता है उनमें सबसे छोटा कौन फैक्टर है वो लेना है। जैसे मैंने अभी लिया 3, 6, 9, ये आ गया 12 आ गया। एक तो जैसे मान लीजिए ए हो गया, ऐसा समझ लीजिए, एक बी के रूप में हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे आ गया 6, 12, 18 यार। तो आप देखोगे इनमें जो सबसे छोटा जो नंबर है वो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है ना, तो देखो इसका एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, 6 होगा यहाँ पर, ठीक है। 3, 6, 9, यानी आप देखो दोनों में मल्टीपल है, मल्टीपल आपको देखना, जब एलसीएम की बात करते हैं मल्टीपल की बात करते हैं, और जब हम एचसीएफ की बात करते हैं तो उनका जो कॉमन फैक्टर है उसकी बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों में देखो एलसीएम, यहाँ पर देखो एलसीएम कितना आ रहा है, 6, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो ये आ गया, सबसे छोटा मल्टीपल के रूप में हमें यहाँ पर लेना है, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे ये आ गया हमारे पास इसी फॉर्म में, जैसे हम कोई और क्वेश्चन करते हैं उनको देखते हैं यहाँ पर, तब हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि
कैसे बनते हैं इसको और कैसे हम इनको बनाने, एलसीएम है वो क्या आएगा आने वाला हमारे पास। देखिए जैसे मान लीजिए हमें कह रखा है कि आपको 30 और 12 ये आ गया। 12 और 30 का क्या करना है आपको एलसीएम है वो चेक करना है। तो दोनों मेथड से करते हैं। सबसे पहले देखो आप, देखो 12 को आप लिख लो, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 3। एक प्राइम नंबर है, हमेशा प्राइम नंबर की पावर में ही लिखना है आपको, ठीक है। 13 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आएगा, ये 13 आ गया, ठीक है। अब आप जब इसका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम है वो कैसे आएगा हमारे पास, तो एलसीएम हमारे पास ये आएगा एलसीएम। तो सबसे पहले देखना है कि जो दोनों में, यहाँ पर देखो 2 की पावर 2 है और 2 की पावर मतलब यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, इनकी मैक्सिमम पावर है वो लेना है, वो सबसे बड़ा अंक है वो यहाँ पर लेना है। तो क्या आएगा यहाँ पर, ये आएगा, तो कितना होगा, ये ले लिया हमने। अब देखो तो हमें ये नहीं लेना है यहाँ पर, ये बिल्कुल भी नहीं लेना, जो बड़ा वाला नंबर ले चुके हमें 3 और दोनों में है तो केवल एक बार ही लेना है, और 5 ये आ गया, ठीक है। तो अब देखो इसको कितना हो गया, 4 इंटू 15, ये आ गया 16 है, वो इसका क्या हो गया एलसीएम हो गया, यानी वह छोटे छोटे नंबर है जिसमें दोनों डिवाइड होंगे 16 में 12 का भी भाग जाएगा और 30 का भी भाग जाएगा। इससे पहले वाला कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसमें 12 और 30 दोनों का भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों डिविजिबल होने चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर नहीं, दूसरे मेथड से, ये मेथड फर्स्ट है, मेथड सेकंड से हम इसको करते हैं। तो मेथड सेकंड से करोगे तो क्या लिखोगी, इसको ऐसे लिख दो 12 और 30, ठीक है। सबसे पहले आप देखोगे जो प्राइम नंबर है वो कितना है, 2 है, 2 से करो तो आप देखोगे कितना आएगा, 6 और ये आ गया 15। फिर 2 से करोगे कितना आ गया, 3 और 15। फिर अगला प्राइम नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो कितना आएगा, 3, कितना आएगा, 1 और 5। और फिर आएगा आपके पास 5 1 और 1। अब इनको मल्टीपल करो तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, आ गया कि नहीं आ गया हमारे पास, ठीक है। देखो इसको ध्यान से देखोगे तो क्या ऐसा ही बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है हमारे पास 4 इंटू 15, यानी ये आ गया 16, ठीक है। तो चाहे तो इस मेथड से करो और चाहे इस मेथड से करो, एक तो ये हो गया। दूसरा आप देखोगे कि इनको और किस तरीके से हम कर सकते हैं, अगर आप देखो इतना आपको करने की जरूरत नहीं, जितना जितना आपको जल्द ये होने लग जाए, आपको समझ में आने लग गया है, तो आपको इस तरीके से आपको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सीधा आपको क्या ध्यान रखना है, सीधा ध्यान रखना है यहाँ पर देखो 12 आ रहा है और ये 30 आ रहा है, तो आप देखो दोनों में ये आ रहा है 12 और 30 आ रहा है आपके पास, तो दोनों में 6 है वो दोनों में कॉमन है, 6 है वो दोनों में कॉमन है, तो ये आ गया 6, दोनों में क्या आ गया 12 और यहाँ पर भी 30, ये आ गया। फिर देखोगे 6 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से करें तभी तो 12 होगा, और 6 को किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से करेंगे, तो ये आ गया। तो हमारे पास जो नंबर है वो क्या आएगा, 6 तो दोनों में आ गया, 6 इंटू 2 इंटू 5, तो ये हो गया 60, ठीक है। तो इस मेथड से भी आपको कर सकते हैं, यानी आपको कॉमन है दोनों का, जो कॉमन है उनको एक साथ लिख दो, लिख दिया हमने, यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 आ रहा है, ये 6 दूनी 12 हो गए, ये 6 5 0 30 हो गए, ठीक है। ये अपना आपको लेना है, तो ये तो दोनों लिख दिया, 6 आ गया और 2 इंटू 5 है, 60 हो गए। इस मेथड से भी आप इसको बना सकते हो। तो क्या ध्यान रहेगा, क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है, सिंपल आपको एलसीएम का देखना कि जो कॉमन है एलसीएम का, यानी वो छोटा से छोटा नंबर है जिसमें जो जितने भी हमें नंबर दिए हैं उनका डिविजिबल होना चाहिए, मतलब वो छोटा से छोटा नंबर है वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे हम और लेते हैं, यहाँ पर इनका एलसीएम ही फाइंड करते हैं, क्या करोगे, जैसे आपके पास नंबर दे दिया गया यहाँ पर 12 20 36, ये आ गया, कोई भी 3 नंबर ले लिया, कोई भी नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं है आपके पास लिखा हो, कोई भी नंबर हम ले लिया। अब हम इनका अलग अलग करते हैं, देखो ये आ गया 12, तो कितना कैसे लिखोगे, अब आप इसको प्राइम नंबर की पावर लिखो तो क्या लिखोगे, 2 की पावर 3, मेथड फर्स्ट से हम करते हैं इसको, ये आ गया 2 की पावर 2 इंटू 3, ये आ गया। फिर 20 को आप लिख रहे हो यहाँ पर
काउंटिंग क्या लिखोगे, 2k power 2 into 4, ये आ गया, ठीक है, सॉरी 5, ये आ गया, 2k power 2 कितने, 4, 4 into 5 कितने हो गए, 20 हो गए ना, ठीक है। फिर 36, 36 को आप लिखोगे 2k power 2 ये आ गया इनटू 3 की पावर 2, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 36 आ गया, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, एलसीएम है वो इसका फाइंड करना है, एलसीएम है वो कितना आएगा। तो सबसे पहले क्या है, तीनों में सबसे जो बड़ा नंबर है वो लेना है। तो तीनों में देखो, इसको देखो ध्यान से, तो ये कॉमन आ रहा है, आ रहा है क्या, दो सब में पावर टू है वो सेम आ रहा है, तो क्या करना है, 2 की पावर मल्टीप्लाई। देखो 3 की पावर 2 यहाँ पर और 3 यहाँ पर 1 है, और इसमें है ही नहीं 3 है, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे बड़ी पावर वाला लेना है। तो ये देखिए 3 स्क्वायर आ गया, ये लीजिए हमने। अब अगला देखो, into 5, ये बन गया हमारे पास। तो अब इसका एलसीएम निकालते हैं, तो क्या 4 into 9 into 5, तो क्या 36 into 5, यानी 180। अब 180 ऐसा नंबर है जिसमें 12 से भी डिवाइड होगा, वो 20 से भी डिवाइड होगा, 36 से भी डिवाइड होगा, लेकिन इससे पहले है वो किसी से भी डिवाइड है वो नहीं होने वाला है। यानी इससे पहले आपके पास एक न तो 12 से डिवाइड, 180 से छोटा नंबर आया आप देखोगे ना, तो वो न तो आपके पास 12 से डिवाइड होगा, नहीं 20 से डिवाइड होगा, नहीं 36 से डिवाइड होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। देखो मेथड सेकंड से हम करते हैं यहाँ पर, तो क्या करना है आपको, इन तीनों को एक साथ लिख लो, 12, 20 और 36, ये ले लिया हमने, ठीक है। सबसे पहले 2 से डिवाइड कर दो, 2 कितना आएगा, 6 आ गया, 5 आ गया और 18 आ गया। फिर दोबारा 2 से डिवाइड हो रहा है, कितना आएगा, 3 आ गया, 5 आ गया और 9 आ गया। अब देखो किससे डिवाइड हो रहा है, सर्वो अगला प्राइम नंबर कितना आएगा, 3 आएगा, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 1 आएगा, 5 आ गया एंड 3 आ गया, ठीक है। अब देखो इसको इतना आ गया, तो तुम जरूरी नहीं अब यहाँ पर 3 लो 5 लो, आप क्या करो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इसका जब एलसीएम निकाल रहे हो तो आप इसको ऐसा लिखते हो 2 into 2 into 3, ये तीनों नंबर आ गए, अब इन दोनों को लिख दो साथ में 5 into 3, ये भी कर सकते हो। और आप करना चाहो कि भाई सर हम तो पूरा करेंगे, तो ये आ जाएगा 1, 5 और 1, 1 तक लेकर आएंगे, तो ये 1 आ गया, ये 1, ये भी 1 और ये भी 1 आ गया ना यहाँ पर। और देखो 3, 5, 3, 5 ये है, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आपके पास कितना आ जाएगा, 180 है वो आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम और एचसीएम ये हो गए। जब हम इसके मेथड अगले मेथड की बात करते हैं, तब आप इसको देखोगे अगला जो मेथड है हमारे पास, क्या करोगे आपके पास क्या है, 12, 20 और 36, आप देखोगे जो 4 है ना वो सब में आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा, सब छोटा अंक का 4, देखिए ये आ गया, यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी आ गया, बिल्कुल। आपको मतलब जब एग्जाम में बैठते हैं, जब एग्जाम में देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को फास्ट करने की कोशिश करते हैं, यही हमारे पास प्रोसेस रहती है। जितना हम फास्ट करेंगे क्वेश्चन को, उतना हमारे पास समय ज़्यादा रहेगा और अधिक से अधिक क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। क्या करोगे, 4 आ गया, अब देखो यहाँ पर 4 से कितनी, 3, 5 और कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। तो ये तो देखो कॉमन आ रहा है क्या, ये आ गया कॉमन आ गया। अब देखो 9 को हम क्या, 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर into 5, या जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 180 है वहाँ पास इसका आ जाएगा, आंसर है आ जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना आपको एलसीएम के रूप में हमारे पास कैसे आएगा, कैसे ज्ञात करना, तो आपको क्या करना, वह छोटे छोटा कॉमन फैक्टर होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर देखो 12, 20 और 36 का सबसे छोटा नंबर कौन सा, 180 है, जिसमें तीनों ही का भाग जाता है, ठीक है। यहाँ पर सेम है वो किया है, मेथड अलग अलग किया है, तो ये ध्यान रखना है आपको एलसीएम में और एचसीएम में डिफरेंस क्या आएगा। अब जब एचसीएम पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे। अब देखो नेक्स्ट, देखो हमारे पास देखिए जैसे मैंने लिखा है, क्वेश्चन लिखा है फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 and 42, ये आएगा। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को लिखोगे सर कि 2 into 3 का स्क्वायर, ये बनेगा 42 42 है, तो 42 को आप क्या लिख सकते हो, तो 42 को हम लिखेंगे क्या भाई, आपके पास आ गया 2 3
एंड 7 यही बनेगा। ठीक है, जब आप इसका एलसीएम निकालते हो तो एलसीएम है वो हमारे पास कितना होगा, सबसे पहले देखो 2r आ गया, कॉमन आ रहा है तो ये आ गया। देखो इन दोनों में, इन दोनों में हमें क्या करना, जो पावर बड़ी होगी उसको लेना है, तो हमने पावर बड़ी उसको ले लिया। और ये 7 है वो अकेला आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, लेकिन इसको भी हमें साथ में लेना है। ये आ गया हमारे पास, तो ये हो गया 2 × 9 और 7। ठीक है, तो आप ये हो गया 18 × 7 यानी 126 है वो हमारे पास, इसका क्या हो जाएगा एलसीएम है वो आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एलसीएम है हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि एलसीएम है और एचसीएफ है बहुत हार्ड है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं, एकदम से नॉर्मल हैं। आप थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ोगे तो आसानी से आपको आ जाएगा। सेकंड मेथड से करते हैं तो हम क्या करोगे, 18 और 42 ये आ गया। करो भाई कितना बनेगा, देखो 2 से डिवाइड किया कितना आ गया, तो बोलोगे सर 9 आ गया और ये आ गया 21 आ गया। फिर 2 जा रहा नहीं तो 3 हो जाएगा, तो 3 से करोगे 3 आ गया और 7 आ गया, ये आ गया। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 × 3 × 3 × 7 या लिख दो, या फिर क्या बताया मैंने आपको, पहले 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 1 आ जाएगा और यहाँ पर 7 आ जाएगा, और फिर किससे 7 से डिवाइड कर दो तो 1 1, अगर 1 1 तक लाना चाहते हो तो। अगर आपके पास लास्ट में आपके पास केवल कौन से नंबर बच रहे हैं, प्राइम नंबर बच रहे हैं, देखो यहाँ पर आपके पास कैसे नंबर बच रहे हैं, प्राइम नंबर बच रहे हैं ना, प्राइम नंबर बच रहे हैं यदि आपके पास एंड में, तो आप उनको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 2 × 3 × 3 × 7, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 126 है वो आपके पास आने वाला है। तो ध्यान रहे आपको फैक्टर है वो भी प्राइम नंबर के रूप में होंगे, ठीक है, और एंड में भी यहाँ पर जो भी सॉल्व करोगे तो आपके पास प्राइम नंबर है वही बचने वाला है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। देखो अगला क्वेश्चन हमें करेगा, फाइंड द एलसीएम ऑफ, हमें नंबर ये इक्वेशन मतलब ये फैक्टर के रूप में दे रखे हैं। अब देखो फैक्टर के रूप में दे रखे तो हमें इनका क्या ज्ञात करना है, हमें चेक करना है इन चार ऑप्शनों में कि इनका एलसीएम क्या आएगा, एचसीएफ क्या आएगा। देखो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर पहला नंबर, पहला नंबर कितना है, 3 की पावर 4 × 5 × 7² × 11। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 3² × 5 × 11² फिर नेक्स्ट देखते हो 3² × 5² × 11² है वो हमें दिया। अब देखो भाई सबसे पहले देखो यहाँ पर 3 आ रहा है, 3 में जो बड़ी पावर है वो कौन सी है, 3 की पावर 4 ले लिया हमने। फिर देखो 5 आ रहा है, 5 में जो बड़ी पावर क्या है, 5² ये भी ले लिया हमने। फिर 11 आ रहा है, यानी देखो 7 भी आ रहा है, 7 इन दोनों में नहीं है लेकिन यहाँ पर आ रहा है, इसको भी लेंगे यहाँ पर 7² जो दोनों में नहीं आ रहा है, जैसे आप एक में आ रहा है और बाकी में नहीं आ रहा है, तो उसको भी आपको एलसीएम की बात करें तब लेना है। ठीक है, एचसीएम में दूसरा फॉर्म बनेगा उसको हमें चेक करेंगे। अब देखो 11 में देखो 11 की पावर 4 है वो आ रहा है, तो उसको लेंगे 11 की पावर 4। चेक करते हैं यहाँ पर, देखो 3² 3² तो दोनों तो पहले से नहीं होंगे यहाँ पर। अब 3 की पावर 4 है आ रहा है, 3 की पावर 4 यहाँ पर 5 आ रहा है, 5² है तो बी है वो हमारा राइट आंसर होगा। देखो चेक कर लो इसमें आ रहा कि नहीं आ रहा, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो आपको लिखा है, आपको इनकी लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी हम लिखने की नहीं है, हम और ही इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं, पढ़ा और हो गया। देखो सबसे पहले आप चेक करना कि देखो यहाँ पर 3 देखो पावर बड़ी कौन सी हमारी, इन दो में आ रहे, तो दो ऑप्शन तो पहले से कट गए यहाँ पर, हमारे पास दो ऑप्शन ही बचे बी और सी। अब देखो सेकंड देखोगे 5 5² और 5, तो आपके तो 5² आ रहा है, तो आप 5² लोगे, ये ऑप्शन आउट कर गया, बस आपको करना ही नहीं है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आपके पास क्लियर हो गया होगा। तो एलसीएम कैसे कर सकते हैं, किस तरह करेंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है उसको समझेंगे। ठीक है, एलसीएफ समझ गया, फिर हम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, एचसीएफ और एलसीएम को, उनको देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं एचसीएफ के बारे में, एचसीएफ है, एचसीएफ हम कैसे याद करेंगे उसको देखना है। तो एचसीएफ में आपको क्या करना है, सबसे कॉमन फैक्टर है वही आपको लेना है यहाँ पर। तो कॉमन फैक्टर में जैसे मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, जैसे 3 है तो 3 को क्या हो 1 × 3 ऐसे लिखेंगे, 5 है वो 5 हो गया 1 × 5 है वो हमारे पास आ गया। तो अब आपको देखना है इसमें
देखो जब एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम अभी अभी आपने पढ़ा है, तो एलसीएम तो हमारे पास कितना आएगा, 1 × 3 × 5, यानी जो दोनों में है वो ऐसा ऐसा आ जाएगा, यानी 15 हो गया एलसीएम तो इसका। लेकिन एचसीएफ है वो इतना नहीं होगा। एलसीएम ने क्या किया, इस नंबर को दोनों में कॉमन है उसको भी लिखा, यहाँ पर है उसको भी लिखा, और यहाँ पर है उसको भी लिखा, और सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं, एचसीएफ में केवल और केवल आपको कॉमन फैक्टर लेना है। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर कितना है, 1 है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो एचसीएफ पर आपको ध्यान देना है, 1 है वो इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। कोई भी नंबर होगा आपके पास उसको देना। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ले लिया मैंने, जैसे आ गया 15, 20, 36, ये आ गया, 3 नंबर दे रखे हैं। अब इनमें हमें एचसीएफ है वो चेक करना है, एचसीएफ कौन सा है। तो देखो मैंने लिखा 15, 15 को आप क्या लिख सकते हो, 3 × 5 हो गया, ये आ गया। 20 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 × 5 हो गया। और 36 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2, 4 × 9 कितना हो, 36 हो गया। अब देखोगे यदि हम एलसीएम की यहाँ पर बात करते हैं, तो एलसीएम तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले 2 लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर सेम आ रहा है, देखो ये आ गया। इन दोनों तो सेम है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन बड़ी पावर वो लेनी है तो सेम आ रही है। फिर 3 की पावर देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, लेकिन बड़ी पावर वो लेनी है हमें। 5 दोनों में आ रहा है, ये लिए 5, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। या लेकिन जब एचसीएफ की बात करते हैं तब हमें क्या करना है, तब हमें ऐसे नहीं चेक करना है, तब आपको देखना कि इनमें कॉमन क्या है। तो आप देखोगे 3 और 5, 5 यहाँ पर आ रहा है और 3 यहाँ पर आ रहा है, 2 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर है, तो क्या कॉमन है क्या यहाँ पर, कुछ भी आपको कॉमन नजर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब एचसीएफ है। अब देखो क्या एचसीएफ नहीं है क्या इसमें, एचसीएफ है, लेकिन आप देखोगे जहां पर कुछ भी नहीं होता वहां एक होता है, हारे का सहारा है वो कितना है, यहाँ पर एक है वो हमारा है, ठीक है। तो एक है वो हर किसी का सहारा बन जाता है, तो एक जहां पर भी आप देखोगे एक है वो सब जगह आपको मिलेगा, तो एक इसका फैक्टर हो जाएगा, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एलसीएम तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका 1 होगा। इज दैट क्लियर? तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ और एलसीएम में हम किस मेथड से इसको करते हैं, ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया, जब जब मेथड फर्स्ट की बात करते हैं इसमें, जब मेथड सेकंड से हम देखते हैं इसको, तो हमारे पास देखो ये आ गया, इसको आप इस तरह लिख दो, पंद्रह, 20 एंड 36, ये लिखोगे एलसीएम की, यहां से तो आपके पास सीधा क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान देना, अब देखो इनमें ऐसा कोई कॉमन नंबर है जो इससे डिवाइड होता है, केवल एक को छोड़कर, केवल एक को छोड़कर, और बाकी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो इन सबको डिवाइड कर दे, ठीक है। तो आपको ध्यान देना, एक ऐसा कॉमन नंबर जो इन सभी नंबर को डिवाइड करता है वो ही आपके पास क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर है यहाँ से? तो आपको ध्यान रखना है, एलसीएम की बात करते हैं तो मल्टीपल के रूप में चलते हैं, और एचसीएफ की बात करते हैं तो हम कॉमन फैक्टर के रूप में चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, यहाँ पर केवल 1 आएगा। अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो यहाँ से 2 से स्टार्ट, वैसे 1 से स्टार्ट नहीं करते हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 से इसका क्या हो गया, प्राइम नंबर है, वहाँ से 2 से स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम ऐसा कोई डिवाइड, यहीं शुरुआत में पता चल गया है क्या इसका एलसीएफ कितना होगा, तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन नंबर नहीं है जो इन सबको डिवाइड कर दे, तो 1 है इसका एचसीएफ है वो होगा, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर अब एग्जांपल, हमारे पास जैसे हमारे पास क्वेश्चन कह रखा है यहाँ पर, देखो कह रहे हैं फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1, 110 दे रखा है, 180 दे रखा है, एंड 540 दे रखा है, ठीक है। अब एक तो हम उस तरीके से करेंगे, एक आपको सीधा ट्रिक से बताऊंगा जो आप केवल आपको 1 ही सेकंड लगने वाला है इस प्रश्न को करने में, ठीक है। पहले इसका बेसिक मेथड देखते हैं सबसे पहले। तो आप देखो कितना आ गया, 110 दिखाओ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11 × 10, ठीक है, या एक मिनट, 2 × 5 × 11, ये आ गया, सॉरी 180, तो 2 का स्क्वायर ये आ गया, 3 का स्क्वायर × 5 ये बनेगा। आप फैक्टर करोगे ना, जैसे 2 का स्क्वायर कितना, 4 हो गया, 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 हो गया, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई करते हो 180 हो जाएगा, 540।
तो टू का जो प्राइम नंबर कितना हो जाएगा, 540। टू की पावर टू ये आ जाएगा। अगर इसे नो ऐसे निकाल सकते हो फटाफट, ऐसे 540 टू कितना आएगा, 270, ये आएगा 2135, ये हो गया। फिर 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 आ रहा है ना, 5 से इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 2 7, ये आ गया। फिर 3 से इसको डिवाइड कर दोगे कितना आएगा, 9, और 3, फिर आ गया 3 और 3 और 1, ऐसा बनेगा। 2 की पावर 2 × 3 की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई, और मल्टीप्लाई में क्या आ गया, 5 है, वो आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो एच सी एफ निकालते हैं। तो एच सी एफ हमसे पूछा है, तो एच सी एफ वो कितना आएगा यहाँ पर, एच सी एफ, तो जो एच सी एफ अभी भी बार बार बता रहा हूँ आपको, एच सी एफ का मतलब हो गया जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, कॉमन ही आपको एच सी एफ के फॉर्म में आपको लेना है। तो सबसे पहले देखो कॉमन, देखो 2 आ रहा है यहाँ पर, आ रहा है यहाँ पर भी, आ रहा है यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन आप कॉमन कितना है, 2। भाई 2 को क्या लिखें, 2 2 गुना 2 लिख सकते हैं, इसको भी 2 गुना 2 लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जो तीनों में है तो तीनों में 2 ही आ रहा है, तो ये आ गया एक, तो ये हो गया। और देखो भाई 3 देखो यहाँ पर, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा, तो 3 भी नहीं होगा। 5 देखो यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, और यहाँ पर भी आ रहा है, तो 5 हो जाएगा इंटू। अब देखो 11 देखो केवल यहीं पर आ रहा है, उन जगह नहीं आ रहा, तो हमारे पास केवल ही केवल कितना होगा, 10 है, वो इसका क्या हो जाएगा, एच सी एफ हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये बेसिक तरीका है वो हमारे पास आ गया। अब सेकेंड हम देखते हैं इसके अंदर क्या हम सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, 11 × 10, 18 × 10 और 40 × 10। अभी 10 के अलावा है ना और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो सब में डिवाइड होगी, यहाँ पर तो वैसे 11 आ रहा है, तो 11 के अलावा 11 में और किसी का भाग नहीं जाता है। ठीक है, क्या 18 में 11 का भाग जाता है, नहीं जाता है, 54 में जाता है, नहीं जाता, केवल 10 ही ऐसा नंबर है जो सब में आ रहा है। तो इज द इसका राइट आंसर, आंखों का तारा है वो हमारे पास कितना है, 10 हमारा है, ये आ गया हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो समझ में आया होगा आपको क्या करना है, एच सी एफ का मतलब कॉमन लेना है, कॉमन एलिमेंट आपके पास है, कॉमन नंबर है वो होने चाहिए, कॉमन नंबर हमने यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर जो सब में हो वो आ गया, तो एलसीएम कितना हो गया, 10। जब इसके एलसीएम की बात करोगे तो एलसीएम में क्या होगा, 2 की पावर 2। जब हम एलसीएम की बात करते हैं भाई, यहाँ पर देखो एलसीएम देखते हैं तो क्या आएगा, 2 की पावर 2 लेंगे, यहाँ पर आ गया। फिर देखो 3 की पावर 2 लेंगे, फिर 5 लेंगे, और फिर 11 लेंगे, ये सब लेंगे, उसके बाद में हमारे पास इसका जो नंबर है वो आएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो गए, ये 9 हो गए, 36 हो गए, 36 × 5 × 11 यानी 180 × 11। ठीक है, यानी 1800 में 180 और जोड़ दो तो 1980 है वो इसका याद आएगा। तो ये तो एलसीएम हुआ और ये क्या हुआ, इसका एचसीएफ हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से एचसीएफ और एलसीएम हम निकालने वाले हैं। देखो यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखो, अब देखो व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द पॉलीनोमियल इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, एक्स की पावर -1 है, एक्स क्यूब -3x + 3x - 1 है, एंड एक्स क्यूब -2x² + x है। अब देखोगे ऐसे बड़ी बड़ी समीकरण आए और इनका हमें एचसीएफ ज्ञात करना हो तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 4 है, -1 है। देखो भाई अब इनके टुकड़े कैसे करें, तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा, एक फॉर्म पढ़ी होगी, a² - b², यानी क्या होता है, a - b × a + b, ये पढ़ा है तुम लोगों ने। ठीक है ना, तो आप क्या करो इसको तोड़ते जाओ, क्या लिखोगे, x² + 1 और x² - 1। फिर इसको तोड़ोगे x² - 1 को तो क्या बनेगा, x - 1 × x + 1। x² - 1 को तोड़ोगे तो क्या बनेगा, x - 1 × x + 1 बनेगा। ठीक है, ये आपके पास है, इस फॉर्म में बन जाएगा, सॉरी अच्छा एक मिनट देखो, ये आ गया x² - 1 को हम तोड़ेंगे तो क्या लिखेगा, x - 1 × x + 1, ये बनेगा। इसको केवल इतना ही लिखना है, x - 1 × x + 1। चलो तुम लोगों एक तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से तुम लोग ऐसे अगर आपके पास आए तो क्या ध्यान रखना है, कैसे करना है, आपको बिल्कुल भी
ये नहीं देखना है कि स्क्वायर, कई बार क्या गलती हो जाती है लिखने में और हम कर नहीं पाते, तो क्या करना है, देखो जैसे जैसे आ गया अक्स की पावर 8-1 है, तो आपको क्या करना है, प्लस वाला चिन्ह लेकर चलते जाना है, प्लस वाला चिन्ह लेकर चलते जाना है और पावर को आधी करते हुए चल जाना है, ठीक है। कैसे, देखो ये आ गया अक्स की पावर, पावर को आधी किया, प्लस वन माइनस है तो यहाँ प्लस लेना है, ठीक है। अब इसको भी आधी कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन लेना है, इसको भी आधी कर दो तो एक्स प्लस वन लेना है, और एंड में आपके पास कोई भी पावर न रहे तो इसको चिन्ह इसका फिर से बदल दो, एक्स माइनस वन, हो गया ना। कितने बड़ा सा बड़ा नंबर है, कितनी बड़ी पावर हो, उसको आप यहाँ पर आसानी से लिख सकते हो। अगर हम वैसे लिखते इसको बिना, अगर ये बिना ध्यान किए तो हम क्या करते, पहले अक्स की पावर 8-1 को पहले देखते, इसको लिखते, इसको ऐसा लिखते अक्स की पावर 2-1 पावर 2, ऐसे लिखते, फिर अक्स स्क्वायर माइनस वन होगा तो इसको ऐसा लिखते अक्स की पावर 4-1 और अक्स की पावर 4+1, ये लिखते, फिर अक्स की पावर 4-1 को फिर दोबारा से हम क्या लिखते इसको अक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस वन, यानी अक्स स्क्वायर माइनस वन और अक्स स्क्वायर प्लस वन, ऐसा बनाते, फिर ये बनता अक्स की पावर 4+1, फिर अक्स स्क्वायर माइनस वन को दोबारा हम लिखते अक्स माइनस वन और अक्स प्लस वन, फिर दोबारा से लिखते अक्स अक्स स्क्वायर प्लस वन और अक्स की पावर 4+1, ठीक है। तो आपको ये तरीका न करके सीधा सीधा अपनाना है, क्या करना है, माइनस है तो प्लस बदल देना, प्लस कर देना है, और प्लस करते करते एंड में अगर पावर नहीं है तो उसका चिन्ह बदल दो, बस आपके पास इसका फैक्टर है वो हो जाएगा। जैसे कोई भी और लेते हैं, जैसे यहाँ पर जैसे मैंने लिया एक्स की पावर 16-y की पावर 16 ले लिया, अब क्या करें, क्या करना है, सीधा सीधा पावर को आधी कर दो और चिन्ह बदल दो, पावर को आधी कर दिया एक्स की पावर 8+y की पावर 8, चिन्ह बदल दिया, फिर इसका आधा कर दो एक्स की पावर 4+y की पावर 4, फिर इसका आधा कर दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर इसका आधा कर दो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, यानी आपके पास पावर नहीं है यहाँ पर, तो पावर नहीं है तो आपका चिन्ह बदल दो बस, ठीक है। लास्ट में दोबारा से चिन्ह बदल दो, जब माइनस है तो माइनस के रूप में बदल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, बताओ कितना समय लगा, बिल्कुल भी समय नहीं लगाना है। तो आपको क्या करना है, उस मेथड से न करके इस मेथड से आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब इस करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास अक्स स्क्वायर अक्स पावर 4-1 का फैक्टर क्या होगा, अक्स स्क्वायर प्लस वन अक्स माइनस वन इंटू अक्स प्लस वन। अब देखो नेक्स्ट, देखो हमारे पास अक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x-1। अब इसको ध्यान से देखोगे ना तो आपके पास a माइनस बी का जो होल क्यूब है वो फॉर्मूला बनता है। अब a माइनस बी का होल क्यूब है वो क्या होता है, ये देखो भाई, a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² और माइनस बी क्यूब, ठीक है। देखो भाई ध्यान देना, देखो 3x² प्लस 3x-1 बन रहा है क्या, ऐसा कैसा, यानी x की a की जगह कितना है x है और b की जगह कितना है 1 है, ये हो गया होल क्यूब। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें क्या रखा है, ये रहा यहाँ पर देखो x³ - 2x² + x, क्या करो इसमें से, देखो सीधा सीधा नजर आ रहा है कि हम x कॉमन ले सकते हैं क्या, बिल्कुल सर x कॉमन ले सकते हो, तो x² - 2x + 1 ये आ गया। अब आप देखो ध्यान से a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, क्या लिखोगे इसको, x इन, तो ये तो आ जाएगा फैक्टर x और ये जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी x माइनस वन का होल स्क्वायर, ये आ गया। पहले तो हमने फैक्टर कर लिए, अब आपको क्या करना है, इनका एचसीएफ और एलसीएम वो चेक करना है। तो सबसे पहले एचसीएफ चेक करते हैं इसका, तो एचसीएफ वो कितना आएगा, क्या करना है, कॉमन लेना है। देखो यहाँ पर x माइनस वन है, यहाँ पर भी x माइनस वन है और यहाँ पर भी देखो x माइनस वन है, ये x माइनस वन x माइनस वन, पावर के कॉमन लेना है, जिसका देखो यहाँ पर पावर कितनी है 1 है, तो 1 सभी में है, तो इसका मतलब आंसर वो क्या हो जाएगा, x माइनस वन आ जाएगा, आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है, x माइनस वन है इसका आंसर होगा। एक तो ये तो हो गया बेसिक तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या इसको सर आप कोई और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल हम और तरीके से भी कर सकते हैं, क्या करना है आपको, x माइनस 4 x माइनस 2 x माइनस 8 और x माइनस 1 ऑप्शन से भी कर सकते हैं। क्या करना है आपको, सबको 0 के बराबर रख दो, जिसको जिसके लिए भी चेक कर रहे हो उसको 0 के बराबर रख दो,
उसको जीरो के बराबर रख दो, x माइनस एक बराबर जीरो। तो यहाँ पर चार आ गया, दो आ गया, आठ आ गया और एक आ गया। क्या करना है अब, यहाँ से ये वैल्यू उठाओ, यहाँ से ये वैल्यू उठाओ और इनमें रख दो। यदि जिसका मान जीरो आ जाता है, क्योंकि अभी ये फैक्टर वो इन्हीं से निकले हुए हैं, जिसका भी मान जीरो जीरो आता है मतलब वही ऑप्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर फोर रखो, तो फोर की पावर कितनी है, 64 माइनस वन जीरो आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता, तो ये तो होगा ही नहीं। एक रखते पता लग गया जीरो आना चाहिए। दो रखो यहाँ पर, तो ये भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि दो की पावर चार 16 में से एक है, 15 नहीं होगा। आठ रखो यहाँ पर, आठ की पावर चार में से एक उठाओगे। आई होप आपको एक आज की क्लास है वो समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालें, आज एक पार्ट लेकर आएँ, कल हम अगला जो नेक्स्ट पार्ट है वो लेकर आएंगे, ठीक है। इसमें जो और भी इसके जो लेवल के क्वेश्चन हैं, किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को हम करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, अच्छी तरह से इस क्लास को पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा है इसे वीडियो को शेयर कीजिए, सभी के लिए यूजफुल वीडियो है। थैंक यू।